हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। मैं व्लॉगर उपाध्याय। तो गाइस, आपने आजकल बहुत देखा होगा कि जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं, मान लीजिए जैसे स्विफ्ट डिजायर टूरिस्ट है, सीएनजी या डीजल पेट्रोल, अर्टिगा हो गई, सैलरी हो गई, इनकी स्पीड बंधी हुई आती है 80 की स्पीड पे। ये गाड़ियां आती है 80 से ऊपर आप इन्हें नहीं भगा सकते। तो भाइयों, आपको पहले हम दिखा देते हैं कि ये गाड़ी 80 से ऊपर नहीं जाती, ये टूरिस्ट मॉडल ही है। ये तो आपको मीटर में ही पता चल रहा होगा सीएनजी का वो देख के। अब आपको दिखा देते हैं कि 80 से ऊपर नहीं जाती है। गाड़ी के आवाज़ ही आपको समझ आ जाएगा कि ये 80 पे भाग रही है। ये देखिए 70 80, पंजा दिखा, ये देखो पंजा पूरा दबा के ऊपर दिखा, ये 80 से ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन आज हमें काफी पता करने के बाद एक जगह मिली है दिल्ली में, जहाँ पे आप स्पीड खुलवा सकते हैं प्रॉपर वे में, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका प्रॉपर वे में जो स्पीड गवर्नर होता है वो निकाला जाएगा और आपकी जो एबीएस बंद हो जाती है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है गाड़ी में, जैसे आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें बंदा स्पीड खोलना दिखाता है, जो कि आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उसमें गाड़ी के एबीएस बंद हो जाते हैं, काफी सारी दिक्कतें आने लग जाती है। लेकिन हमने पता करा है जो प्रॉपर वे में। मेरी एक गाड़ी है, तो मेरे भैया की गाड़ी है, वो गाड़ी मैं आज लेके जा रहा हूँ, ये प्राइवेट हो रही है एक्चुअली, इसलिए हम इस गाड़ी की स्पीड खुलवा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि वहाँ कौन सी जगह है दिल्ली में, क्या उसका प्राइस है, कैसे वो स्पीड गवर्नर निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहें और पूरे डिटेल्ड वीडियो देखें, क्योंकि ये एक सेंसिटिव काम होता है जिसमें अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होगी तो आपके 8-10 लाख रुपए की लंका लग जाती है। नॉर्मली गाड़ी इतने की होती, आपके 8-10 लाख रुपए पानी हो जाएंगे सिर्फ एक चीज के पीछे, क्योंकि स्पीड गवर्नर भी मतलब मान लीजिए सेंसिटिव चीज है गाड़ी। जो मेरे काफी सारे भाई हैं जो अपनी गाड़ी प्राइवेट करवा रहे हैं या जो लॉकडाउन की वजह से जिनकी गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो वो प्राइवेट करवा चुके हैं, लेकिन उनकी स्पीड 80 पे ही है, तो इस वजह से, या फिर आप कहीं लंबे रूट पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप 800-900 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हैं एक वन वे से, तो वहां आपको 80 की स्पीड पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस वे में आप स्पीड खुलवाना चाहते हैं और कुछ भाई अपनी स्पीड बंधवाना चाहते हैं, जैसे कोई अपने बच्चे को गाड़ी दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो वहां आप अपनी गाड़ी की स्पीड बंधवाना चाहते हैं, तो ये भी हम पता करके बताएंगे कि वहां स्पीड गवर्नर लग भी जाता है या नहीं लग जाता है। आपको पूरी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो ये होगी जिसमें हम आपको बताएंगे क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। बाकी चलिए, ये है NH8 नेशनल हाईवे और यहाँ पे लग रहे हैं स्पीड के कैमरे। जैसे ही आप गुड़गांव से दिल्ली में एंटर हो गए, आपको NH8 पे T1 का जो कट है वहां से दो कैमरे मिल जाएंगे। उससे पहले एक आपको रजोगरी पे मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा मेपालपुर फ्लाईओवर क्रॉस करके, और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल की स्पीड है 40 हाईवे पे, जो कि अभी आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कितनी धीरे गाड़ी चलती है। कृपया दोस्तों इसका भी ध्यान रखें कि आपको स्पीड का चालान ना भरना पड़े, नहीं तो 2000 रुपये आपके फ्री बंद के चले जाएंगे। जो मेरे भाई बाहर से आते हैं, जो भी करते हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी डिटेल। कौशल भाई, काफी ऐसे भी बंदे होते हैं जो कंपनी में जाके पता करते हैं कि भाई स्पीड खुल रही है नहीं खुल रही है, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो भाई, जो मेरे भाई हैं जो ऐसा सोचते हैं कि कंपनी में स्पीड खुल जाएगी या कंपनी वाले स्पीड खोल के दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। कंपनी में हमने सब पता कर लिया, कंपनी में भी पता कर लिया, हर जगह पता कर लिया कि स्पीड खुलती है नहीं खुलती है। ना कंपनी में स्पीड खुलती है ना कहीं और स्पीड खुलती है, उल्टा कंपनी वाले तो पागल बनाते हैं। मैं गया भाई कंपनी में, मैंने पता करा कौशल भाई कि भाई स्पीड खुलती है नहीं खुलती है, क्या सीन है कि भाई अपनी हमने गाड़ी ले ली, ठीक है भाई जरा ध्यान से सुनना, हमने गाड़ी ले ली जो कि है टूरिस्ट यानी कि कमर्शियल व्हीकल है, लेकिन जब कमर्शियल व्हीकल को हम प्राइवेट करवा लेते हैं तो ये कंपनी वालों का फर्ज बनता है कि भाई उसमें से कमिश्नर हटाएं, जो स्पीड गवर्नर लगा रखा है वो हटाएं। क्यों कौशल भाई, सही बात है नहीं है ना? भाई सही बात है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हमने कमर्शियल गाड़ी ली
तो भाई दिल्ली गुड़गांव में रूल है एनसीआर में कि तुम्हें 80 पे चलानी पड़ेगी, कमिश्नर लगा होना चाहिए। ठीक है, तुमने लगा के दे दिया, लेकिन जब आपने गाड़ी प्राइवेट करवा ली तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि उस कमिश्नर को हटाए? शोरूम की बनती है, क्या कंपनी वालों की बनती है? नहीं बनती है। और क्या? लेकिन भाई कंपनी वाले इस मामले में कर देते हैं सीधे हाथ खड़े कि भाई हम नहीं जानते तुम्हें, तुम कौन हो, अपनी स्पीड खुद खुलवाओ, खुलवा सकते हो तो खुलवा लो, नहीं खुलवा सकते मत खुलवाओ। आप चाहो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा जिसमें आप सुन सकते हो मैं कंपनी वाले से बात कर रहा था। वो सीधा कहते हैं भाई बाहर से खुलवा लो, हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने पूछा कि भाई बाहर कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ तुम्हें पता हो कि भाई स्पीड खुलती है, क्या करती है। सीधे हाथ खड़े कर दिए भाई उन्होंने। कौशल भाई तुम तो सही हो भाई, इनका मतलब बड़ा गंदा सीन है भाई, इनका कमर्शियल व्हीकल्स का बहुत ज्यादा गंदा सीन कर रखा है। मतलब तुम गाड़ी ले जाओ उसके बाद ये भूल गए कि तुम कौन और हम कौन। करीब हो गया भाई मुझे 1.5 साल हो गया, मैं 1.5 साल से पता कर रहा हूँ कि स्पीड गवर्नर कहाँ हटता है कहाँ हटता है। आज तक बहुत जगह डोला है मैं, कंपनी में हाथ पैर मार लिए। मैं आप यकीन नहीं मानोगे मैं आगरा तक होया हूँ इस बारे में, इस चीज के चक्कर में मैं आगरा तक होया हूँ कि भाई यहाँ कमिश्नर हटता ही नहीं हटता है। वही बात है यार, ये कंपनी वालों को अलग ही टंटा है भाई, इनसे क्या ही बोल सकते हैं। भाइयों हम पहुंच चुके हैं वहां पे जहां स्पीड गवर्नर हटता है। तो अभी मैं एक दुकान पे पूछ के आया हूँ, मतलब थोड़ा ढूंढने के बाद मार्केट तो मिल गई जहाँ स्पीड गवर्नर लगते हैं तो यहाँ हट भी जाते हैं। तो अभी मैं एक बंदे से पूछ के आया, काफी बंदों ने मना कर दिया कि कंपनी फिटेड स्पीड गवर्नर हम नहीं हटाते हैं, लेकिन अभी एक बंदे ने बोला कि एक बंदा है जो कर देगा ये काम। तो अभी वो आ रहा है, उससे पूछ के फिर आपको बताते हैं अपडेट। हम यहाँ मार्केट में पहुंच चुके हैं जहाँ हमें अपनी स्पीड खुलवानी थी, और यहाँ के पता चला कि यहाँ स्पीड नहीं खुलती है। यहाँ कुछ आप कह लो जैसे दलाल टाइप में बंदे होते हैं, उनसे आपको सेटिंग करके और वो स्पीड खुलवाने लेके जाते हैं आपको। वहाँ वो आपके स्पीड गवर्नर को निकालेंगे और उसके बाद उसे रीसेट करके या जो भी करके उसी को वापस लगा देंगे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन काम होता है। बाकी अभी हम करवाने जा रहे हैं, हमारी डील फिक्स हो गई है, कितने रुपए में हुई है, क्या हुआ है और कहाँ काम होगा वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। बाकी अभी इनसे मैं पता करूंगा कि भाई मैं वीडियो यहाँ शूट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बिकॉज की पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं। तो अभी तो हम सीएनजी पंप पे सीएनजी भरवा के और फिर उसके बाद इनके साथ हम जाने वाले हैं जहाँ ये लेके जाएंगे गाड़ी प्राइवेट करवाने। तो मार्केट भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में कौन सी मार्केट है क्या है। तो भाई आप देख लो ये है मार्केट जहाँ हम आए थे, अभी सीएनजी भरवा के निकले हैं। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं जिस बंदे से हमारी बात हुई है, जहाँ हम जाने वाले हैं गाड़ी की स्पीड खुलवाने। आप थोड़ा देख सकते हो ये मार्केट है, ट्रैफिक की वजह से पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही। ये देखिए ये मार्केट है, ये दुकानें हैं। ट्रैफिक की वजह से मैं क्लियर वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ। तो भाई हम वहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ स्पीड खुलती है, वो बंदा मैं लेके आ चुका है जहाँ स्पीड खुलेगी। तो अभी वो पता करने गया है खुल सकती है नहीं खुल सकती, तो अभी देखते हैं क्या है, होप सो खुल जाए। चलो अभी थोड़ी देर में पता चलता है क्या होता है, बताते हैं। तो भाइयों ये यही है ना भाई स्पीड गवर्नर, भाई ये अपना स्पीड गवर्नर है। तो भाइयों वो वहाँ वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर का काम है इस वजह से। तो अभी वो जब आके यहाँ लगा देगा 15-20 मिनट ही कह रहा है, जब आके वो यहाँ फिट कर देगा तो उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो भाइयों यहाँ अपना स्पीड गवर्नर रेडी होके आ चुका है, अब देखते हैं स्पीड खुली है नहीं खुली। तो भाई बता रहे हैं इससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना एबीएस वगैरह में ना किसी और चीज़ में।
चलो भाई चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, कोई एबीएस की लाइट वगैरह नहीं जल रही है इसमें। भाई तो भाइयों अब आप देख सकते हो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और चल रही है। अब आप स्पीड देखना, जस्ट फोकस ऑन मीटर ब्रो। ये देखो ये पहुंची 70, 80 और ये भाई साहब, भाई बस 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 देखना 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 देखना, ये गई 100 ये गई 100 क्रॉस। बस इससे ज्यादा नहीं बना सकता आगे ट्रैफिक हल्का सा। ओ भाई मजा आ गया कसम से, 1.5 साल की मेहनत यार, मैं क्या बताऊं आपको, मैं बता नहीं सकता भगवान कसम, 1.5 साल लगे यार इसे खुलवाने में, वो भी प्रॉपर वे। मैंने एबीएस का निशान दिखा, एबीएस का निशान दिखा, कोई एबीएस का निशान नहीं है, कुछ नहीं है, सब प्रॉपर है। ये देखिए ब्रेक मार के दिखा देता हूँ, सारी चीजें मतलब कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, सारे निशान आप देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। स्पीड अभी आपने देख ली, कमिश्नर लग चुका है, 100 क्रॉस कर गई है। मैं अभी से 110 पे भगा चुका, जब कैमरा ऑन नहीं था मैंने आपको दिखा नहीं पाया, कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम पे। अब ये 110 भाग चुकी है। ओ भाई साहब कसम से मजा आ गया, जैसे कहते हैं लिटरली, माँ कसम 1.5 साल की मेहनत हो भाई साहब, क्या बताओ यार 1.5 साल में आज पता चल पाई स्पीड कहाँ खुलती है। ओ भाई बहुत ज्यादा थक गया यार, क्या हुआ कि अभी जो एंड पार्ट आपने देखा जब हमने गाड़ी भगा के दिखाई, उसके बाद भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला, लग रहा है मनाली वाली भीड़ हमारे टाइम पे सारी वापस आ गई। उसी साइड से मनाली वाला रोड निकलता सोनीपत मुरथल वाला, वहां से लेके और गुड़गांव तक NH8 तक पे 10-20-30 की स्पीड पे आज हमने गाड़ी चलाई है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा ये कहते हैं। उसके बाद थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई तो वीडियो एंड करने का टाइम नहीं मिला। कृपया वीडियो को पूरा देख लें, नहीं आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज थोड़ा काम दो नंबरी है, या कह लो लीगल भी है, इलीगल भी है, फिर गाड़ी की बात आ जाती है। थोड़ा वीडियो को डिटेल में देख लें ताकि बाद में आप लोग कोई भी मुझे गाली ना दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कहाँ कितने पैसे लगे हैं, क्या सीन हुआ है, क्या सीन नहीं है। तो यार इसके लिए हम पहले सबसे पहले जो हम गए यहाँ से वो गए बुरारी, बुरारी अथॉरिटी आप मैप पर सर्च करेंगे तो आपको सीधा वहीं की लोकेशन मिलेगी। वहाँ जो है स्पीड गवर्नर लगते हैं, तो वहाँ कुछ दलाल टाइप के बंदे होते हैं जो आपका स्पीड गवर्नर हटवा भी देते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से वो आपको लेके जाएंगे जिस जगह पर स्पीड गवर्नर खुलेगा आपका या जो भी होगा। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीन नहीं है, ये पूरा एक परफेक्ट काम है जिसमें गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास गाड़ी आई, मैंने सब कुछ चेक करा, चला के देखी सब कुछ, ABS वगैरह सारी चीज़ें जो है आपने एक पिछली YouTube वीडियो में देखा होगा, ABS बंद हो जाता है, ऐसा कोई सीन नहीं होगा इसमें, सारा बिल्कुल परफेक्ट काम होता है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो भाई ब्रॉडी में मार्केट में जब हम पहुंचे तो वहाँ हमें काफ़ी ढूंढने के बाद एक बंदा मिला जिसने बोला भाई मैं खुलवा दूंगा, तो उससे मेरी पैसे की बातचीत हुई, तो वो बातचीत हुई थी भाई 4,500 में। चीज़ मैं क्लियर कर दूं, भाई हम दलाल के थ्रू गए थे तो हमारे 4,500-5,000 रुपये लगे थे। आप डायरेक्ट जाओगे तो 2,000-3,000 के बीच में ही आपका काम हो जाएगा। मेरी उनसे दोबारा बात हुई थी तो उसमें मैंने पूछा भाई कितने में स्पीड गवर्नर खुलता है, तो उन्होंने बोला 3,000 रुपये में। आपके ऊपर है कि आप वहाँ जाके कितने में खुलवा के आ सकते हैं, 1,000 रुपये में भी हो सकता है, 500 में भी हो सकता है, 1,500, 2,000, 2,500, मैक्स जो है 3,000 है बिना दलाल के। जो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या जो जगह मैं आपको बताऊंगा उस जगह पे जाके आप ये काम करवाइए, 500 से लेके मैक्स टू मैक्स है 3,000 रुपये में आपकी गाड़ी की स्पीड खुल जाएगी। हमने बोला चलो ठीक है, हमें तो खुलवाना था, तो भाई मैं स्पीड गवर्नर खुलवाने के लिए उसके साथ चला गया। तो वहाँ से वो हमें मजनू के टीले की तरफ लेके गया, दिल्ली में जो मजनू के टीला है उस साइड वो हमें लेके गया। तो वहाँ जिस दुकान पे हम गए, मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया कि उन्होंने मना कर दिया, यहाँ वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं, जो भी सीन है। हमें काफ़ी दिक्कतों के बाद ये चीज़ मिली थी, आपको पता ही है कि दिल्ली में अब तक किसी को या गुड़गांव में किसी को कोई दुकान नहीं पता जहाँ स्पीड गवर्नर हटाया जा सके। तो उन्होंने वीडियो तो नहीं बनाने दी पर मैंने पूरा प्रोसीजर देखा, अंदर भी नहीं जाने दिया जहाँ स्पीड गवर्नर खोलते हैं। वो सिंपली आएंगे आपकी गाड़ी से स्पीड गवर्नर निकालेंगे, लेके जाएंगे, 10-15 मिनट का टाइम मांगेंगे, 10 से 15 मिनट में वो आपका स्पीड गवर्नर वापस लेके आएंगे, उसके आप फोटो वोटो जो भी है खींच सकते हैं, बिल्कुल आपका वही स्पीड गवर्नर होगा, मैंने सब कुछ चेक करा था।
उसके बाद आप उसके स्पीड गवर्नर आपकी गाड़ी में लगा देंगे, आपको चेक करके दिखा देंगे, आपकी स्पीड खुल चुकी होगी, एबीएस वगैरह किसी चीज़ का कोई निशान नहीं आता है, मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो भाइयों उन्होंने अपना नंबर वगैरह डिस्प्ले करने के लिए मना कराया है, उन्होंने अपने एड्रेस वगैरह भी डिस्प्ले करने के लिए मना कराया है, तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट में मैसेज करिए, उसमें अपनी इंस्टा आई डी या फेसबुक आई डी छोड़िए, मैं उस पर जाके आपको इनबॉक्स में उनका नंबर या जो भी है वो भेज दूंगा, या फिर डायरेक्ट मेरी इंस्टा आई डी पर मुझे मैसेज करिए, मैं उसमें आपको इनबॉक्स में डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो यही थी वीडियो भाई, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम होता है, बिल्कुल प्रॉपर काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ का इशू नहीं है भाई, पैसे वैसे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि स्पीड गवर्नर कैसे खोला कैसे लगा। बाकी भाई थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।